हेलो फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो गई, दोनों तीनों बच्चों की, प्रांशु की 12 बजे और ईशिका और आर्यन की 12:30 बजे हुई है। दो सब दोनों तीनों बच्चों को ले आया हूँ और इनके स्कूल की 4 दिन की छुट्टी पड़ गई है। इनके स्कूल में ईस्टर का कोई प्रोग्राम है तो इसलिए 4 दिन की छुट्टी पड़ गई है। बच्चे ऐसे मौज मस्ती करेंगे अभी 4 दिन। और अभी आपको दिखाते हैं कि आर्यन से पूछते हैं कि छुट्टी के कैसे लग रहा है आपको। आर्यन जी, कैसा लग रहा है आपको, छुट्टी पड़ गई आपकी 4 दिन की? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है, हंस रहे हो। अब क्या करोगे 4 दिन की छुट्टी में? पढ़ाई कर रहे, खेलोगे हैं? कुछ नहीं, ऐसे घूमते रहोगे, ऐसे हंसते रहोगे। बच्चे पढ़ाई तो अब तो मस्ती करेंगे, पेपर दे चुके और 4 दिन की इनकी मौज मस्ती होनी है। अरे देखो, अब देखो देखो जी, प्रांशु की भी छुट्टी है 4 दिन की, तक देखो कैसे मस्ती कर रहा है अभी से। जोर से बोलो, सुनाई तो हाथ ही नहीं रहा क्या। डांस भी कर रहे हैं। अरे देखिए, चॉकलेट खा रहे हैं हमने छुट्टी के उसमें। और अभी इसको कह रहा था कि मेरे को प्यास, गर्मी लग रही है तो ये अपने लिए नारियल दो बार पानी लाया। ये देखिए, ये वो चॉकलेट है जो जब हम गए थे मम्मी की चाची के घर, वहाँ से लेके आए। आप कैसे खोल रहे हो भाई? खोल देगा ना, तू खोल दे यार। पापा, मैं दो दे दूं? दो भाई को भी दो। रोज मस्ती कर रहे हैं, छुट्टी के चक्कर में इन्होंने चॉकलेट का वो भी खोली है पैकिंग। ये छुट्टी पड़ गई है, मस्ती देख लो इनकी अभी से शुरू हो गई। ये देखिए, आर्यन पाव बना रहे हैं इस टाइम, पाव भाजी खाने का मन कर रहा है इनका। और ये रहे पाव, और ये तवे पे सेकेंगे। भाजी इनकी बन गई है, अब स्कूल की छुट्टियां पड़ी है तो इनका खाने का मन करेगा टेस्टी टेस्टी खाने का। देखिए पाव बना रहा है। ये देखिए पाव मक्खन में करके सेक के, जब बन जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। आर्यन अपने हाथों से खुद ही बनाता है, पाव भाजी से बनाने का शौक है वो, कुछ भी खाने के लिए, खासकर छुट्टियों में। जब बन जाएगा फिर दिखाते हैं आपको। ये और इस तरह के पास, और ये देखिए स्टेला कैसे सो रही है टाइगर के ऊपर मुंह रख के। इनका भी सोने का टाइम हो गया, अब ये भी सो जाएंगे दोनों ऊपर चल के। और ये देखिए रानी का भी सोने का टाइम हो गया है। अभी डॉग्स को खाना दे रहे हैं, उनके लिए खाना तो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना खा रही हूँ। मम्मी ने रात को बनाई है पाव भाजी, साथ में प्याज और पापड़। ये है पापड़, ये हमें नानी ने दिए थे, नानी ने पापड़ डाल रखे थे तो हम भी नानी के घर से लेके आए हैं, नानी ने हमें पापड़ दिए थे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।